हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो वीकेंड, फिर सैटरडे नाइट और ऊपर से मूवीज़। तो दैट वाज नॉट माय प्लान, लेकिन बच्चों ने प्लान बनाया क्योंकि दे वर वेटिंग फॉर द वीकेंड। पूरा हफ्ता पढ़ाई कर करके बस थक जाते हैं, तो उनको ये था कि हमारा वीकेंड अच्छा गुजर जाए। तो मिनियंस की ज़िद कर रहे थे, बुकिंग ऑनलाइन करवाई, फिर यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर दिया, अपना क्यू आर कोड दिया, और यहाँ पर असिस्ट करने के लिए लोग मौजूद होते हैं और वो आराम से आपकी टिकट निकाल के आपके हाथ में थाम देते हैं। जैसे कि ये लेडी जो है ये हमें दे रही हैं, सो शी हेल्प अस आउट और हमने अपनी टिकट्स ले ली। और मुझे वैसे ही क्यू सिनेमास बहुत पसंद है। मैं ज़्यादा मूवीज़ की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन जब भी बच्चे कहते हैं तो आई यूजली ब्रिंग देम टू क्यू सिनेमास। यूनिवर्सल भी बहुत अच्छा है, लेकिन आई वुड प्रेफर क्यू सिनेमास। माहौल बहुत अच्छा है, एटमोसफेयर अच्छा है, इट्स नॉट दैट क्राउडेड और इट्स बेटर देन मतलब अदर सिनेमास कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो। तो खैर, हमारे पास 15-20 मिनट थे, हमने सोचा कि चलो कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। मैंने तो नहीं, बच्चों को ज़्यादा हो रहा था कि भाई स्नैक्स चाहिए, मुझे अपनी आइस टी चाहिए थी। तो आहिस्ता आहिस्ता रश पड़ना शुरू हो गया था और हमने जो है नैचोस ले लिए, बच्चों ने नैचोस लिए, सॉसेजेस लिए और पॉपकॉर्न एक एक ले लिए। तो बस खाना पीना ही होना था, डिनर हमने किया नहीं था। तो इस तरह से हमने अपनी सैटरडे नाइट गुजारी और हमने मूवी देखी। हमारा संडे स्टार्ट हो गया। सैटरडे नाइट मैंने आपके साथ शेयर किया व्लॉग के, सैटरडे नाइट हम मूवीज़ पे गए थे। नेक्स्ट डे मैंने सोचा लंच बनाती हूँ, लेकिन बच्चों ने कहा वी डिडंट हैव डिनर सो लेट्स गो फॉर लंच। तो मैंने कहा ये तो वीकेंड का फिर एक खाना रह गया बाहर का, तो आई टुक देम आउट फॉर लंच। तो मैंने सोचा गुलबर्ग ले जाते हैं इनको, और गुलबर्ग में एक्चुअली बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। तो दिन भी अच्छा था, धूप थी, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, और होपफुली शायद बारिश हो जाए। एवरी डे आई से दैट, और मैं आपको मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रहा है, तो आज का भी देख लें तो काफ़ी गर्मी है लेकिन बादल हो रहे हैं। तो बस हम लोग अपने रास्ते पे और पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं कि आराम से टाइम पे पहुँचें, क्योंकि संडेज़ में आफ्टरनून पे रश नहीं होता, इतनी ट्रैफिक नहीं होती, बल्कि इवनिंग में ज़्यादा हो जाती है। तो अभी हम सिग्नल पर रुके हुए हैं, गाड़ी थोड़ी सी टेंट हुई थी ऊपर से, तो मैं ऐसे ही कैमरा मैंने ऊपर किया तो मुझे ना एक बड़ा अच्छा सा व्यू नज़र आया। तो मैंने कहा सोचा आपके साथ शेयर करूँ, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। सूरज की रोशनी पड़ी थी लेकिन बादल भी नज़र आ रहे थे, तो इट वाज़ मेस्मराइजिंग। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर इसके बाद हम लोग फ्यूल स्टेशन पर आ गए। यहाँ पर उन्होंने मीटर्स लगाए हैं जहाँ पर आपको बार बार पीछे मुड़ कर मीटर की तरफ नहीं देखना पड़ेगा कितना फ्यूल डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर योर ओके नाम से एक फ्यूल स्टेशन है, वहाँ पर आइसक्रीम पार्लर भी था, तो हमने वहाँ से आइसक्रीम ली। और अब हम मेन स्ट्रीट पर आ गए हैं कैवलरी की तरफ, जहाँ पर गुलबर्ग जो है स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमने सोचा कि लंच कर लेते हैं, तो बच्चों का इरादा हुआ चलो यहाँ पे रस्ते में नैंडोज़ आता है, नैंडोज़ खा लेते हैं। तो दे लव नैंडोज़, एक्चुअली साद लव्स नैंडोज़ अलॉट, तो हाया को उतना पसंद नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पहुँची थी, बस पार्किंग करने ही लगी थी कि मुझे हाया ने कहा नहीं मामा मुझे नहीं खाना। तो मैंने वहीं पे गाड़ी जो है रिवर्स की और निकाल ली बाहर रोड पर। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा रेस्टोरेंट है, तो फिर वहाँ पर हम स्टॉप लेते हैं, अगर कुछ काम का लगा तो खा लेंगे, अदरवाइज़ कहीं और चलते हैं। तो बस ऐसे ही बच्चे इधर उधर लेके जाते हैं और डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या खाना है। तो खैर, अब आगे हम थोड़ा सा आए तो हमें हार्डीज़ नज़र आ गया। ये हमारा लास्ट स्टॉप था एक्चुअली गुलबर्ग का, तो हार्डीज़ पे आ गए। मैंने सोचा ड्राइव थ्रू से चलते हैं, बर्गर्स लेते हैं और घर की तरफ चलते हैं, लेकिन दे वॉन्ट टू डाइन इन, तो उनको फ्रेश फ्रेश वहीं बैठ के खाना था। मैंने कहा चलो ठीक है, आज इनका दिन है तो इनको खिलाते हैं, जो ये लोग कह रहे हैं इनकी बात मान लें खामोशी से, क्योंकि पूरा हफ्ता इन्होंने मेहनत करनी है, तो लेट्स डू वट एवर दे वॉन्ट। तो हमने बर्गर्स ऑर्डर किए, हाई एंड टेंडर्स ऑर्डर किए, तो मेरा मील जो था वो आ गया। मैंने अपने ड्रिंक्स वगैरह फिल किया और फिर उसके बाद जो है हम लोग वेट कर रहे थे। ये देखें लोडेड फ्राइज और फेमस स्टार बर्गर और साथ में टेंडर्स, कर्ली फ्राइज, तो एज़ यूजल फ्रेश। तो बस अब घर की तरफ आ गए हैं और घर पहुंच गए हैं, अब वही सेम ओल्ड रूटीन और वही सब कुछ। तो बस वीकेंड गुजर गया, ख़त्म हो गया, और आज जो है अब डिनर बनाऊंगी मैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी क्या बनाया। होप यू लाइक द वीडियो, होप यू लाइक द ब्लॉग। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और कॉमेंट भी कीजिएगा। Till next time, inshallah. Take care. Allah Hafiz.